नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही आम समस्या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जब पेशेंट को रेगुलरली स्टूल पास नहीं होता या स्टूल पास करने में कठिनाई होती है तो उसे कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। वैसे तो ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, लेकिन जब पेशेंट को रेगुलरली इसकी कंप्लेंट आने लगती है और उसकी डेली लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन में रखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए और हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को डिटेल में समझने के लिए हमें इसे तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर वन, इसमें पेशेंट को डेली मोशन पास नहीं होता है। वैसे तो रेगुलरली मोशन और स्टूल पास करना चाहिए, लेकिन यदि पेशेंट को हफ्ते में 3 से 4 बार स्टूल पास हो रहा है तो उसे हम नॉर्मल मानेंगे। नंबर टू, इसमें पेशेंट को मोशन तो डेली पास होता है लेकिन उसको मोशन करने के बाद कंफर्टेबल नहीं लगता, उसे ऐसा लगता है कि मोशन क्लियर नहीं हुआ है और उसे दिन भर मोशन जाने की डिज़ायर बनी रहती है। नंबर तीन, इसमें पेशेंट को मोशन तो होता है लेकिन स्टूल बहुत हार्ड होता है और उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, और जब स्टूल हार्ड होता है तो पेशेंट को एनल रीजन में बर्निंग होती है और कभी कभी हार्डनेस ऑफ स्टूल के कारण उसको ब्लड भी जाने लगता है। यहाँ पर अब हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे ये आता है कि जब पेशेंट पानी कम पीता है या शरीर में किसी कारण से डिहाइड्रेशन हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। नंबर टू, जब पेशेंट लो फाइबर डाइट लेता है तब भी ये तकलीफ हो सकती है, या पेशेंट प्रोसेस फूड मैदे के आइटम ज़्यादा खाता है तो भी ये कंप्लेंट बढ़ जाती है। नंबर चार, जब पेशेंट की एज बढ़ जाती है, मींस ओल्ड एज लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखा गया है। एक चीज़ और होती है, जब मेडिकेशंस कोई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके खाने के बाद पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, डिप्रेशन में रहता है, उसको इसके कारण ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। और जब पेशेंट की लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री होती है, वो बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है या बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करता है तो भी पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन ट्रिगर कर जाता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें नंबर वन पे ये होता है कि पेशेंट की पेल्विक मसल्स वीक हो जाती हैं, उसके कारण मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाती और स्टूल मूव नहीं कर पाता। नंबर टू, जब पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है उसके कारण भी स्टूल मूव नहीं कर पाता तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नंबर तीन, जब पेशेंट में हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है तो भी स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि हार्मोन जो है हमारे बॉडी के फ्लूड को बैलेंस रखते हैं। जब कोलोन या रेक्टम में किसी कारण से ब्लॉकेज हो जाता है तो भी पेशेंट का स्टूल पास नहीं हो पाता। पेशेंट को यदि एनल फिशर्स हो गए हैं, उसके जो एनल वाले रीजन में यदि उसको कट लग गए हैं तो भी उसको स्टूल पास करने में तकलीफ होती है, और पाइल्स के केस में भी, जब पेशेंट को कोलोन में, रेक्टम में यदि इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स हो गए हैं उसके कारण भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। अब हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। इसमें पेशेंट को हफ्ते में 3 से 4 बार से यदि कम स्टूल पास हो रहा है तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन में रखते हैं। नंबर टू, इसमें पेशेंट का स्टूल बहुत लंपी और हार्ड होता है। नंबर तीन, पेशेंट को एनल रीजन में या रेक्टम के रीजन में बहुत ब्लॉकेज फील होता है, पेशेंट को स्टूल पास करने में बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, पेशेंट को मोशन पास करने के बाद भी दिन भर मोशन जाने की डिज़ायर बनी रहती है क्योंकि उसे मोशन क्लियर नहीं होता है, कभी कभी किसी पर्सन का स्टूल इतना हार्ड हो जाता है कि उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स में से यदि 3-4 सिम्टम्स भी
3 से 4 महीने तक लगातार बने हुए हैं तो इस कैटेगरी को हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में रखें। यदि हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो इसमें नंबर वन पे ये होता है कि जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए एनल रीजन के आसपास की जो वेंस होती हैं उन पे बहुत प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को पाइस हो जाता है। नंबर टू, प्रेशर लगाने के कारण पेशेंट के जो एनल रीजन है वो फट जाता है, उसको हम एनल फिशर्स बोलते हैं। जब पेशेंट को बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और बहुत दिन तक मोशन नहीं होता है तो पेशेंट के इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल पे स्टूल स्टिक हो जाता है और वह बहुत मुश्किल से फिर निकाला जाता है। और लास्ट है, जब पेशेंट स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है तो कभी कभी पेशेंट का रेक्टम भी प्रोलैप्स हो सकता है। अब हम यहाँ पर इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए लोगों को मोशन जाने का एक फिक्स टाइम टेबल बनाना चाहिए। नंबर टू, कभी भी मोशन जाने की स्टूल पास करने की अर्ज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, खूब सारे फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फाइबर रिच मील लेना चाहिए और जंक फूड या प्रोसेस फूड या मैदे के आइटम को अवॉइड करना चाहिए। सेडेंट्री लाइफ ना जिए, एक्टिव रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसमें नंबर वन पे है नाक्सोमिका। जैसे कि मैंने भी आपको पहले की वीडियो में भी मेंशन किया है कि यह मेडिसिन मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही वेल सूटेड मेडिसिन है। मीन्स जब पेशेंट बहुत सेडेंट्री लाइफ जीता है, एक्सरसाइज नहीं करता है और उसके खाने का रूटीन भी अच्छा नहीं होता है, लेट नाइट डिनर लेता है, तो इस तरह की समस्या हो जाती है। इसमें पेशेंट को क्या होता है, बहुत ही स्कैंटी स्टूल होता है बट मच अर्जिंग के साथ होता है। मतलब ये होता है कि पेशेंट को स्टूल तो बहुत कम पास होगा, उसको दिन भर अर्जिंग बनी रहेगी स्टूल पास करने की और इसको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और प्रेशर लगाने के कारण कभी कभी पाइस की समस्या भी हो जाती है और स्टूल में ब्लड जाने लगता है। और जब स्टूल रेगुलरली पास नहीं होता तो पेशेंट को बहुत ही गैस्ट्रिक समस्या हो जाती है और पेट बहुत फूला फूला सा लगता है और ये सारी तकलीफ़ें खाना खाने के बाद बढ़ जाती हैं। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन में ऑल ओवर बहुत ड्राइनेस होती है और ड्राइनेस के कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इतनी ड्राइनेस होती है कि पेशेंट को स्टूल की अर्ज तो होती है लेकिन वो स्टूल पास नहीं कर पाता क्योंकि स्टूल बहुत ड्राई हो चुका होता है। और इसके कारण जब पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है जिससे कि उसको एनल रीजन में बर्निंग होने लगती है और यह सारी समस्या हॉट वेदर में बढ़ जाती हैं। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है एलुमिना। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ड्राई होती है और उसका रेक्टम बहुत इनएक्टिव होता है, लाइक इन इन्फेंट्स और इन ओल्ड पीपल। उसकी मसल्स बहुत वीक होती हैं, इसके कारण उसको प्रॉपर स्टूल पास नहीं हो पाता है और उसके एनल रीजन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, उसके कारण सोनेस रहती है और पेन रहता है। इवन यदि उसको सॉफ्ट स्टूल भी पास होता है तो भी उसके एनल रीजन में पेन बना हुआ रहता है। इस कड़ी में चौथी मेडिसिन है कैल्केरिया का। यह मेडिसिन बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही वेल सूटेड मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को रेक्टम और एनल रीजन में बहुत कंस्ट्रिक्शन फील होता है, उसके कारण उसको कब्जियत की शिकायत हो जाती है, स्टूल बहुत हार्ड होता है, उसको एनल रीजन में बर्निंग होती है। उसका फर्स्ट मोशन हार्ड होता है, उसके बाद पेस्टी होने लगता है, फिर लिक्विड होने लगता है और पेशेंट के जो स्टूल है उसमें बहुत सारे अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स दिखते हैं, उसमें ऐसे फिटेड स्मेल होती है स्टूल के अंदर। यदि ये सारे सिम्टम्स मैच करते हैं तो कैल्केरिया का दी जा सकती है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है सीपिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को रेक्टम में फुलनेस फील होती है और उसको ऐसा लगता है कोई बॉल लाइक सेंसेशन होता है रेक्टम के अंदर जिसके कारण वो स्टूल पास नहीं कर पा रहा है। और यदि उसका स्टूल पास हो भी जाता है तो बहुत ही राउंडेड हार्ड नॉटी स्टूल, बॉल लाइक स्टूल पास होता है, लाइक गोट डंग लाइक बहुत ही राउंडेड स्टूल उसको पास होता है। ये इसका बहुत सीपिया का एक स्पेशल कैरेक्टर है। इस स्टूल को पास करने के लिए पेशेंट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टेनसनेस होती है और उसका पेन अपर शूट करता है और इस पूरी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के कारण पेशेंट को स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी होने लगती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को समझने में, उसको ट्रीट करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।